झालावाड़ रोडवेज प्रबंधन द्वारा रविवार को एक निःशुल्क बस झालावाड़ से हरिद्वार के लिए रवाना की गई, जिसमें 25 यात्री अपने दिवंगत की अस्थि कलश लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। झालावाड़ आ गए प्रबंधक अतुल यादव ने बताया कि 25 मई से 5 जून तक हुए रजिस्ट्रेशन के आधार पर 45 लोगों को निःशुल्क बस द्वारा हरिद्वार भेजने को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आज पहली मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क रोडवेज बस को रवाना किया गया है, जो 20 घंटे सफर के बाद सोमवार सुबह हरिद्वार पहुंचेगी और 6 घंटे ठहरने के बाद सभी यात्रियों को लेकर पुनः झालावाड़ लौटेगी। इधर अपनी दिवंगतों की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने की हस्तक रखने वाले शोकाकुल परिजनों ने भी प्रदेश सरकार को रोडवेज प्रबंधन का आभार जताया है। कारण यह रह गया कि 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा एक ज्ञापन भी निकाला था कि ये साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है पोर्टल पे, तो सब जगह लोगों ने जो ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया उनके हिसाब से बसों का शेड्यूल तय किया गया था। हमारे यहाँ सिर्फ 34 कलश और 66 लोगों का रिजर्वेशन हुआ था, उसमें भी कुछ ने तो मना कर दी जाने की, तो कल बेड के लिस्ट फाइनल करी है, सबको फोन करा, दूरभाष पर उनसे बात करी, तो जिन लोगों ने सहमति दी है 45 जने जो थी है और 23 कलश लेके आज बस रवाना हुई है। ये गहलोत साहब की सोच का ये एक निर्णय है, जिस व्यक्ति के परिवार में मौत होती है वो परिवार स्तंभ रहता है, और इस समय पे उनको जो सुविधा मुहैया कराई गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, उसके लिए आदरणीय गहलोत साहब, प्रताप सिंह जी खातिरावास का बहुत बहुत साधुवाद।